स्नाइपर्स के लिए। साला हम तुमको मोगैम्बो समझ रहे थे, तुम तो रैम्बो निकले। We have an invited guest in the building. तो दोस्तों आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे, आज यानी कि 15 अक्टूबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई एक्शन पैक्ड फिल्म यानी कि सनक के बारे में, और बताएंगे आपको कि सनक फिल्म का टोटल बजट कितना है और इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज करके कितने रुपये का कलेक्शन कर लिया और इस फिल्म के मेकर्स इस फिल्म को ऑनलाइन रिलीज करके कितने रुपये के प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो दोस्तों आपको बता दूँ कि सनक जो कि एक एक्शन पैक्ड फिल्म है, जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं विद्युत जयबाल, नेहा धोपिया, और दोस्तों आपको बता दूं कि जब इस फिल्म की अनाउंसमेंट की गई थी तो यह फिल्म सिनेमाघरों में ही रिलीज की जानी थी, लेकिन उसके बाद इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बेच दिया था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अब यह फिल्म फाइनली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सनक फिल्म का जो टोटल बजट है वो है लगभग 25 करोड़ रुपये का, और इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को लगभग 35 करोड़ रुपये के भारी भरकम अमाउंट में डिज्नी प्लस हॉटस्टार को बेच दिया था। जी हाँ दोस्तों आपको बता दूं कि फिल्म के मेकर्स इस फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज करके 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट पहले ही कमा चुके थे। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो सैटेलाइट है यानी कि टीवी पर दिखाने के राइट्स वो सोल्ड आउट हुए हैं लगभग 10 करोड़ रुपए के, और दोस्तों इस फिल्म के म्यूजिक राइट जो है वो लगभग 2 करोड़ रुपए के सोल्ड आउट किए गए हैं। तो दोस्तों इसी के चलते यहाँ पर सनक फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज करके लगभग 22 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा लिया है। जी हाँ दोस्तों इस फिल्म के मेकर्स इस फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज करके 22 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में आ चुके हैं। हालांकि दोस्तों आप बताओ कि आपको क्या लगता कि जब यह फिल्म थिएटर्स में रिलीज होती तो यह फिल्म कितने रुपए का कलेक्शन कर सकती थी, हमें पीना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपने सनक फिल्म देखी तो आपको यह फिल्म कैसी लगी, यह भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।